वैसे तो शिमला अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। शिमला का ख्याल आते ही हंसी वादियां और खूबसूरत नजारे आंखों के सामने आ जाते हैं। वही शिमला जिसे देखकर आंखों को सुकून मिलता है, वही शिमला खबरों की दुनिया में गरमाया हुआ है। शिमला के संजौली इलाके में पिछले कुछ दिनों से मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल चल रहा है। हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध भी कर रहा है, लेकिन आज ये विद्रोह उग्र हो गया। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। आक्रोशित भीड़ को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए, तो वहीं कड़ी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। पुलिस ने बैरिकेडिंग की यहां पर, साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया बैरिकेडिंग करके, जिसे लोगों ने तोड़ भी दिया और आगे बढ़ने लगे। भीड़ का गुस्सा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झूमा झटकी भी देखने को मिली। इस दौरान भीड़ ने हिमाचल ने ठाना है देवभूमि को बचाना है और भारत माता की जैसे नारे भी लगाए, जिसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया। हालात को काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। अब यहां से समझना जरूरी है कि आखिर मस्जिद को लेकर ऐसा क्या विवाद चल रहा है जिसको लेकर सड़क पर संग्राम के हालात बन गए हैं। लोग पुलिस के साथ सीधी लड़ाई लड़ने लगे हैं। दरअसल संजौली में यह पूरा विवाद एक मस्जिद के निर्माण को लेकर है। वहां एक पुरानी मस्जिद थी जिसका निर्माण कार्य साल 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन साल 2010 में इस निर्माण को अवैध बताते हुए मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन धीरे धीरे वहां मस्जिद का निर्माण कराया जाता रहा। पिछले 14 सालों में इस मस्जिद को 5 मंजिला बना दिया गया। इस मामले को लेकर नगर निगम की तरफ से 44 बार सुनवाई की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। विवाद बढ़ने की एक और वजह भी बताई जा रही है, वो है कि मस्जिद इलाके के पास हिंदू युवक की पिटाई, युवक के साथ मारपीट का आरोप धर्म विशेष के लोगों पर है, जिसको लेकर ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। युवक के साथ मारपीट से शुरू हुआ मुद्दा मस्जिद के अवैध निर्माण से जुड़ गया, जिसके बाद ये पूरा बवाल बढ़ता चला गया। अब ये पूरा बवाल दो समुदायों से जोड़कर देखा जाने लगा है। अभी पिछले सप्ताह भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास स्थित चारों मैदान में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध करने वाले लोगों का दावा था कि मस्जिद का निर्माण अवैध है। इसकी शिकायत को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की मांग है कि मस्जिद के अवैध कब्जे को तुरंत ढा दिया जाए। मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल तब शुरू हुआ जब इस विवाद में हिमाचल की कांग्रेस सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी कूद पड़े और उन्होंने भी आरोप लगाया कि संजौली में मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया है और इसके निर्माण की जांच की जानी चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बिना मंजूरी के निर्माण शुरू कर दिया, ये एक अवैध ढांचा था। इस पर पहले एक मंजिल बनाई गई, फिर बाकी मंजिलें बनाई गई। यही नहीं, मंत्री जी यही नहीं रुके थे, उनके एक बयान और इस मुद्दे को और हवा देने लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो चुका है, चोरियां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, जो हमारे देश के लिए खतरनाक है। अब संजौली इलाके में बन रहे अवैध निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भी बैकफुट पर है। मस्जिद निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि मामला कोर्ट में है और अदालत और कानून अपना काम कर रही है। जो मस्जिद की बात है, उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी और इस प्रकार की किसी भी वारदात को कानून हाथ में लेने का किसी भी संगठन को अधिकार नहीं। लेकिन जिस तरह से मस्जिद को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत पिछले कुछ दिनों से गर्म है और खुद सरकार के मंत्री के बयान आ रहे हैं, वो सुक्खू सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब देखने को तो ये एक मस्जिद के निर्माण का सवाल है, लेकिन जिस तरह ये मुद्दा अब सुर्खियों में आ गया है, ये अब सुक्खू सरकार के लिए सिरदर्द भी बन सकता है, जिसका असर दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में भी देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में
हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। ऐसे में शिमला से उठी बगावत और विद्रोह की आग कहीं दूसरे राज्यों के चुनावी माहौल को भी ना गर्म कर दे, ये देखने वाली बात होगी।